all my college tour. समझ रहे ना, तो अभी कोई नहीं है. प्लस दिस इज आवर लो कॉलेज. सो गाइस ये प्रिंसिपल का ऑफिस है. पानी पीने का जगह नहीं, वीडियो नहीं ले सकता है ऐसा, है ना. पूरा खाली है. एंड इतने दिन को मिलने के लिए आया है. गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वंस अगैन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. सो गाइज टूडे दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट माई कॉलेज टूअर. सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक माई कॉलेज टूअर वीडियो बिकॉज बहुत सारा लोग है जो मेरा व्यूवर्स है, उन लोगों को कुछ कुछ को नहीं पता है एग्जैक्टली मेरा कॉलेज के बारे में. तो या सो आई एम गना टेल वेरी डिटेली अबाउट माई कॉलेज एंड ऑल्सो मेरा कॉलेज कैंपस के अंदर में क्या क्या है, कौन सा जगह कहाँ पे है एंड ऑल दिस ना. एक्चुअली या बाद में बताएगा, तो सब कुछ ये वीडियो के अंदर में हम बताएगा मेरा कॉलेज के बारे में. सो आई होप यू गाइस विल एंजॉय वॉचिंग माई व्लॉग. सो तो सुबह उठने के बाद पूरा अच्छे से एकदम से तैयार हो गया हम आज का व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि व्लॉग जो है अभी सुबह का 10 बज गया है. सो नाउ आई एम गना शूट दिस व्लॉग बिकॉज बाद में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा कॉलेज का समय में, तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए वीडियो बनाना बिकॉज समझ रहे ना, तो पूरा ऐसा फ़ोन ले लेके जाएगा, ऐसा सा करके व्लॉग बना बना के जाएगा. इंसान लोग भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल होगा और प्लस उन लोगों का रिएक्शन देख के हम भी थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, एक मज़ा नहीं लगेगा. इसलिए आई थॉट कि सुबह उठ के थोड़ा बना लेगा हल्के. तो या हम रेडी हो गया आफ्टर डेट, उसके बाद फिर हमको क्लास भी जाना है. Just let your head down, let's mean the whole town, life is a playground, yeah. But I'm not a kid. So guys, both ho gaya natal wala talk, so let's start the vlog and make you feel like the lady you are. Mama mara bahut zyada dhoop hai aaj, bahut bahut bhayanak se dhoop hai, pura aag bhi khol nahi sak rahe hum. To so I'm starting, I mean जो कैंपस का जो गेट है मेन गेट वहाँ से जा रहा है, वहाँ जा रहा है मैं, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेगा व्लॉग को धीरे धीरे करके बताएगा आप लोगों को सब कुछ. सो एंजॉय गाइस और आई होप कि आप लोगों को अच्छा से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कॉलेज के बारे में. सो या लेट्स गो. जहाँ से हम लोगों का कॉलेज का एंट्री होता है, एवरी एग्जिट इज एन एंट्री समवेयर एल्स. तो यहाँ से आते वक्त एज अ सीधा जानसान वहाँ कॉलेज आता है, बट इसका राइट साइड में अगर आप जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा कॉलेज कैंटीन. तो आई एम गना शो यू कॉलेज कैंटीन भी थोड़ा सा. सो दिस इज आवर कॉलेज कैंटीन. अभी कोई नहीं है, क्लास आने तक सब दुनिया भर का इंसान आ जाएगा यहाँ पे. कुछ ऐसा दिखता है ना कॉलेज कैंटीन, और बहुत भीड़ होता है कॉलेज कैंटीन. मेन्यू जो जो यहाँ कैंटीन में मिलता है वो सब है यहाँ पे. नो क्रेडिट्स, सेल्फ सर्विस. यहाँ से निकल के अगर आप सीधा जाएगा तो हम लोग कॉलेज की तरफ है. यहाँ पे टू साइड है, ये साइड जो है हम लोग का हॉस्टल जाने का रास्ता है एंड देन दिस वन इज़ कॉलेज. यहाँ से पर्दा एक ग्राउंड है, उस साइड से भी आप जा ही सकते हैं. एंड ये एरिया पूरा बाइक स्कूटी रखने का जगह है, पार्किंग लोड है वहाँ तक आगे तक, वो एरिया में भी पूरा पार्किंग का जगह है. एंड गाइस बहुत सारा लोग ऐसा कन्फ्यूज़ होता है कि हम लोग कॉलेज में सिर्फ लो कॉलेज है बोल के, बट दैट्स नॉट ट्रू. यहाँ पे तीन तीन कॉलेज है. आई मीन हम लोग का लो कॉलेज का साथ ही साथ आपको मिलेगा हिल्स कॉलेज, इसके बाद में होगा वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी राइट साइड पे. सो आई एम गोना शो यू. सो गाइस ये है वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक राइट साइड में ही मिलेगा कॉलेज एंट्री करने से दिस. एंड देन उसका राइट साइड में होगा हम लोग का गर्ल्स हॉस्टल. सो ये है हम लोग का कैंपस, कॉलेज कैंपस. अभी शायद से बीएड लोग का क्लास हो रहा है. एंड ये जो ऐसा लंबा सा क्वार्टर देखा है ना, आई हमको एग्जैक्टली नहीं पता इसको, क्योंकि ये कभी खोलता भी नहीं, हमेशा बंद ही रहते. बट पहले इतना पता था कि शायद यहाँ पे टीचर्स लोगों का, मतलब टीचर्स लोग बैठता था हल्के यहाँ में. आई एम नॉट श्योर, माइट बी रॉन्ग. तो यहाँ पे पूरा पार्किंग है, एवरीवेयर गाड़ी गाड़ी. और ये जो येल्लो वाला बस दिख रहा है ना आप लोग, दिस येल्लो वाला बस जो है हम लोगों का कॉलेज बस है, लो कॉलेज का बस है. तो यहाँ से ये बस भी प्रिफर करता है. दिस इज आवर लो कॉलेज. सो
सो गाइस, ये जो पूरा बिल्डिंग जो यहाँ पे दिस ग्राउंड फ्लोर एंड देन फर्स्ट फ्लोर इस B8 लुका है, हिल्स कॉलेज लुका है, एंड इसका ऊपर में जो है सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वो जो हम लोग का लो कॉलेज का है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको बस दिखाई दे रहा है। सो ये है B8 लुका बस, तो इसमें इन लोगों का कॉलेज का तरफ से दो बस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स लोग के लिए। सो हम आप लोगों को जो B8 लुका कॉलेज है उसका डिटेली अंदर में जाके नहीं दिखाएगा, बिकॉज सब जगह में क्लासेस हो रहा है, तो इट विल बी वेरी ऑकवर्ड अगर हम फ़ोन लेके ऐसे ऐसे घूम घूम के दिखाएगा बोलने से ना, तो और बहुत सारा स्टूडेंट है। सो यह तो हम आपको सीधा ऊपर ले जाएगा जहाँ पे हम लोग लो कॉलेज जहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ये भी B8 लुका है, एंड यहाँ से उठने से सेकेंड फ्लोर जो कि हम लोग लो कॉलेज हम लोग का डिपार्टमेंट जो शुरू होता है। ओके, सो ये है सेकंड फ्लोर, ये है प्रिंसिपल का ऑफिस, एंड यहाँ से अगर आप लोग सीधा लेफ्ट जाता है बोलने से पूरा क्लासरूम देखने को मिलेगा यहाँ पे, एंड ये वाला जो रूम है ये BA LLB फर्स्ट ईयर का क्लास है, एंड फिर यहाँ से अगर आप जाने से यहाँ पे मिलेगा LLB फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का क्लास होगा। आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफिस से अगर आप राइट साइड मोड़ने से यहाँ पे भी आपको पूरा क्लासरूम मिलेगा। ठीक है, ये भी BA LLB फर्स्ट का है क्लासरूम, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारा है तो BA LLB फर्स्ट में, तो उसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है दो सेक्शन, एंड ये थर्ड सेमेस्टर है। दिस इज़ द टीचिंग स्टाफ रूम, और हम नहीं दिखा सकेगा अंदर में, एंड सो लाइक वाइज इफ यू गो to the upside then you'll see, so ये है सबसे टॉप फ्लोर, एंड यहाँ से शुरू होता है हम लोगों का लाइब्रेरी होता है यहाँ पे, मूड कोर्ट रूम है, एंड देन ऑडिटोरियम है। सो गाइस, ये है लाइब्रेरी, अलाउ नहीं करेगा शायद से। सो गाइस, लाइब्रेरी को दिखाने के लिए आई आस्क परमिशन, बट वहाँ पे स्टूडेंट भी था तो देवर लाइक नहीं आप वीडियो नहीं ले सकता है ऐसा ना, तो इट्स ओके, कभी दिन अगर गुस्सा है बोलने से आई विल शो यू गाइस कि लाइब्रेरी कैसा है, बट पहले वाला ब्लॉग में आई गेस कि हम आप लोगों को दिखाया है। और ये है हम लोगों का मूड कोर्ट रूम जहाँ पे हम लोगों का कंपटीशन ये सब हेल्प करता है, एंड ये भी लॉक्ड है, एंड आई डोंट नो यहाँ में क्या है, शायद कुछ स्टोर रूम होता होगा, और यहाँ से जाने से ऑफिस होगा एडमिशन रूम, एंड ऑल्सो ये है इन्फॉर्मेशन सेंटर, यहाँ पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कॉलेज का कुछ भी एडमिशन के बारे में तो आपको यहाँ पे मिलेगा इन्फॉर्मेशन, एंड ये भी सेम ही वर्क करता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिस है, यहाँ पे आपका एडमिशन होता है एंड एवरीथिंग, अंदर में भी ये भी अलाउड नहीं होगी। एंड ये जो है नवम रिव्या सर का ऑफिस है, जो कि हम लोगों का चेयरमैन है कॉलेज का, ये उनका ऑफिस है जो कि लॉक्ड है अभी, एंड यहाँ से जाता है बोलने से लास्ट है ये हम लोगों का ऑडिटोरियम रूम है, एंड आई गेस कि आप लोग अच्छे से पता है पूरा खाली है, एंड बस हम आपको ऑडिटोरियम रूम को ही अंदर घुस के दिखा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो बट बाकी सब रूम्स लोग में ऐसा रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि वीडियोस अलाउड नहीं है बोल के, तो अगर अलाउड नहीं है तो नहीं है, तो हम कैसे ज़बरदस्ती ले सकते हैं इसीलिए, बट इतना ही है हम लोगों का यहाँ पे, इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं है, एंड देन कैंपस भी इतना भी भयानक से बड़ा भी नहीं है, तो या तो जितना था हम आप लोगों को अच्छे से दिखाया है, आई नो बहुत शॉर्ट था होगा बट जो भी था इतना ही था, एंड आपको अभी हम यहाँ से व्यू दिखाएगा मेरा कॉलेज का व्यू।
हम रूम पहुंच के आए हैं गाइस, एंड जो जो था हम आप लोगों को सब कुछ दिखाया है कॉलेज के बारे में उतना ही था। एंड देन जो ओपन यूनिवर्सिटी था, वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो और भी कुछ दिखाने के लिए नहीं है, बस वो बिल्डिंग ही है। एंड देन वहाँ पे उन लोगों का क्लासरूम जो कि ज़्यादातर बंद रहता है, इतना खोलता नहीं है वो जो, तो या सो गाइस इतना ही था। एंड हॉस्टल का व्लॉग हम आप लोगों को नहीं, आई मीन हॉस्टल का टूर नहीं दिया है, बिकॉज आप लोग मैं हॉस्टल को तो देखता ही है ना कि कैसा है कैसा नहीं। बट फिर भी अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा से हॉस्टल टूर चाहिए बोलने से, यू कैन आप लोग कमेंट कर सकता है, अगर लोग इंटरेस्टेड होने से वाई नॉट, हम श्योर बनाएगा हॉस्टल का टूर को भी देगा आई मीन। और जो हम लोग का क्लासरूम था वो क्लासरूम्स लोग ज़्यादातर बंद था, सब 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 बंद था। स्टाफ रूम खोला था, स्टाफ रूम में एक दो टीचर ही आया हुआ था और आपको देख रहा था व्लॉग करते हुए। सो गाइस ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बाहर से जब हम लोग कॉलेज को देखते हैं ना, देन वो लोग सोचते हैं कि वह इतना भरा है पूरा का पूरा, शायद से ये क्या कहते हैं लो कॉलेज है हल्के, बट ऐसा नहीं है। आप लोग देखा ही है वीडियो में कि तीन अलग अलग कॉलेज है, जैसे कि वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी है, एंड देन बीएड है हिल्स कॉलेज, उसके बाद में जाके लो कॉलेज भी है। तो ऐसा है पूरा हम लोगों का लो कॉलेज, लो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। तो या एंड देन ऑल्सो ये जो यहाँ में जो लो कॉलेज है, ये आई मीन जो बीएड कॉलेज है वो जो सेमी गवर्नमेंट है, एंड ऑल्सो जो बीएड कॉलेज है दिस इज़ ऑल्सो एफिलेटेड टू आरजीयू। एंड उसी के साथ साथ जो हम लोग का लो कॉलेज है उसको भी इंसान लोग कन्फ्यूज होता है कि लो क्या कहते गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट है हल्के, तो ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, बट दिस इज़ ऑल्सो एफिलेटेड टू आरजीयू, आरजीयू से एफिलेटेड है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, ऐसा है। एंड इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, पहले जब कॉलेज ओपनिंग होने का समय में हमको बहुत सारा कमेंट्स आया था फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो फीस स्ट्रक्चर जो ऐसा है कि एडमिशन में आपको 35 to 38K अराउंड तक ना फीस जो है वो ऐसा लेता है। एंड देन सेमेस्टर वाइज होता है, सेमेस्टर फीस जो आपका 17,000 होता है पर सेमेस्टर, ऐसा करके लेता है या में। एंड अगर जब बाद में जाके लाइक एडमिशन का समय में अगर कोई पूछता है बोलने से भी, यस आई विल ऑलवेज डेयर टू हेल्प एडमिशन के बारे में अगर कुछ पूछता है बोलने से। एंड क्या इतना ही कुछ था कॉलेज के बारे में बताने के लिए। गाइस हम क्लास के लिए रेडी हो गए हैं एंड मैं फ्रेंड हमको बाहर में रुक रहे हैं। 2 hours later. फिर से अंशु इलेक्शन कैंडिडेट को मिलने के लिए आया है, बट कोई भी नहीं है अभी तक, सिर्फ हम और मेरा क्लासमेट्स लोग, तो रुकना पड़ेगा अभी हम लोग को। हाय एवरीवन, आई एम सुपर टायर्ड, जस्ट अभी पहुंचा है एंड टाइम देख सकते हैं 5:30 हो गया, 5:30 ऑलमोस्ट पार हो गया, इतना ज़्यादा थक गया। ये इलेक्शन वाला चीज़ हम बहुत बोरिंग हो गया, जल्दी ख़त्म हो जाने से ठीक है, इतना ज़्यादा थक गया। सो फाइनली अपना रूम में आके इतना मज़ा आ रहा है हमको अभी। सो ओके गाइज, आज का व्लॉग इतना में ही रखेगा हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाई एवरी वन, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। Please make sure to like, share and subscribe to my channel. Bye bye guys.